सबसे बहुत प्यारा ही वाटिका था, क्योंकि इसमें उस समय ऐसे कोई फूल नहीं, ऐसे कोई पेड़ नहीं, ऐसे कोई फल नहीं जिस जो चीज़ यहाँ पर नहीं होता था। इसलिए यहाँ के सारे साथ सब्जी फल फूल सब के सब जगन्नाथ जी सेवा में जाता था, इसलिए इसका नाम जगन्नाथ वल्लभ वाटिका है। जोर से बोलो, प्लेस दैट वी हैव कम हियर इज कॉल्ड जगन्नाथ वल्लभ वाटिका। वाटिका मींस गार्डन। यूज्ड टू हैव सो मेनी beautiful trees here, very green, lot of flowers and lot of fruits and everything. And everything used to, from here used to go to for the service of Lord Jagannath. They used to pick flowers from here and vegetables and fruits, everything from this garden used to go to Jagannath. So this was very dear to Lord Jagannath. Jagannath ji, yahan par Jagannath ji, raat ko Krishna Balaram yahan par aate hain. Aakar ke ek वृक्षा है जिसका नाम दहिना दहिना है, वो उसका जो पत्ता बड़ा सुगंध है, बड़ा सुंदर सुगंध है। जगन्नाथ आते हैं बलराम और वो पेड़ को यहाँ से चोरी करके ले जाते हैं, चोरी करके मंदिर में ले जाते हैं, उसका नाम दहिना, उस वृक्ष का नाम। तो जगन्नाथ एंड लॉर्ड बलराम दे यूज्ड टू कम हियर एट नाइट टू वॉक अराउंड एंड देयर वाज अ ट्री हियर व्हिच वाज कॉल्ड दहिना एंड इट वाज सो डियर टू जगन्नाथ। व्हाट जगन्नाथ डिड वंस इज the whole tree and took it to the temple. और कहते यहीं पर महाप्रभु जो गंभीरा में रहते थे और राय रामानंद यहीं रहते थे, राय रामानंद यहीं से रोज गंभीरा जाते थे, और जो स्वरूप दामोदर रहते थे हमारे जो गुरु जी का मंदिर है, स्वरूप दामोदर वहाँ से गंभीरा आते थे और राय रामानंद यहाँ से यहीं पर रहते थे, राय रामानंद गवर्नर, और यहीं से रोज जाया करते थे गंभीरा और रात भर बैठी करके हाँ गीत गोविंद चंडीदास पद्यावली जब जो महाप्रभु का भाव के अनुरूप, क्योंकि ये श्री विशाखा सखी ललिता सखी राधा जी की सारे भाव ये समझते थे, उनके भाव के अनुरूप श्लोकों को बोल बोल करके महाप्रभु का जो प्रेम को रात भर बढ़ाया करते थे, वो यहीं से वो जाकर जाया करते थे। दिस प्लेस इज ऑल्सो रेसिडेंस ऑफ राय रामानंद ही यूज्ड टू बी द गवर्नर ऑफ द पुरी एंड सो ही यूज्ड टू लिव हियर एंड वेयर इज महाप्रभु यूज्ड टू बी इन गंभीरा द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे एंड फ्रॉम हियर ही यूज्ड टू गो एवरी डे Mahaprabhu's residence, and especially in the evening they used to go and discuss all the shastras, and he used to recite, and Sarup Damodar used to stay where our Gurudev temple is. On the Saraswati Gaudiya Math. Saraswati Gaudiya Math, where we took breakfast prasad yesterday, I think. And from there he used to come to Gambira, and both of you, them used to relish all the shlokas of Bhagavatam and all the other natraks and everything, and Mahaprabhu used to release all this from them. So his residence was here. From here he used to go to Gambira. And Mahaprabhu Gambira mein rehte the, lekin char char darwaja band hai, lekin Mahaprabhu kab wahan se nikal kar aa jata pata nahi chalta tha. Aur Radha Rani ke bhav mein, jaise Vrindavan mein Radha Rani श्याम सुंदर पर ढूंढती है, यहाँ पर महाप्रभु आकर के पूर्णिमा चंद्रमा में आकर के जैसे रास रचाते थे, उनको ऐसे भावना आती थी। और जैसे मानो श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में महाप्रभु जैसे कृष्ण किसी पेड़ के आड़ में छुप रहे हैं और राधा रानी जैसे उनको ढूंढ रही हैं, ऐसे करके संपूर्ण यहाँ पर बगीचा में राधा जी के भाव में पूरा बगीचा में महाप्रभु घूमते थे, मानो श्याम सुंदर में से छुप गए और जैसे लुकोचोरी खेलते हैं ना, ऐसे श्याम सुंदर को महाप्रभु ढूंढते थे। पूर्णिमा में चार चार दरवाजा निकल कर कभी यहीं पर आ जाते थे, कभी कभी दिखाई पड़ता था महाप्रभु यहीं पर आ गए बेहोश पड़े हुए और मुँह से झाँक निकल रहे हैं, राधा जी के भाव से ये सब अलग हो गया ग्रंथि, यहीं पर दिव्य भाव से यहीं पर महाप्रभु ये लीला करते हैं। तो महाप्रभु when he was in Gambira, he used to come here also at night sometime, and because of very nice and green atmosphere here, the trees and everything, on full moon nights he used to come here and remember Vrindavan, and also remember that he is playing with Radharani in this forest here, and like game, like he used to come and feel that Krishna is hiding somewhere behind the trees, and he used to go around looking for him. एंड महाप्रभु समटाइम बेहोश होकर पड़े रहते थे यहीं पर, भक्त लोग ढूंढते थे कहाँ पर महाप्रभु पड़े, ऐसा आकर के महाप्रभु उठा कर कर ले। सो वेर इन गंभीरा दे यूज्ड टू लॉक द डोर्स, देयर वाज फोर डोर्स बिफोर महाप्रभु कुड गो आउट, बट स्टिल ही यूज्ड टू एस्केप एट नाइट एंड समटाइम्स
when he used to come here, and they, all the associates, they used to look for him. And sometimes they used to find him here, underneath some tree or somewhere, fainted. इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहीं पर जब राय रामानंद यहीं पर रहते थे एक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी था उसने महाप्रभु के पास में गया बोले मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ बोले देखो कृष्ण कथा तो तुमको राय रामानंद से ही कथा सुनना कृष्ण कथा मैं जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा राय रामानंद जानता है क्यों राय रामानंद ये आश्रय और विषय तत्व तो भगवान महाप्रभु इसलिए अब रसगुल्ला में क्या रस किसको पता रसगुल्ला को थोड़ी पता जो खाते हैं उनको पता है इसलिए मेरे को जितने पता कृष्ण कथा उससे ज़्यादा पता राय रामानंद को इसलिए तुम राय रामानंद के पास जाओ वो यहीं पर आए कथा सुनने के लिए उन्होंने पूछा राय रामानंद कौन है बोले अंदर में बोले क्या कर रहे हैं कहते राय रामानंद ऐसे विशाखा सखी है ना कहते देव जो हाँ जो कहते जो देव कन्या को मतलब जो देवदासियों को वो क्या करते थे लड़कियों को 15-16-20 साल लड़कियों को उनका श्रृंगार करना उनको सजाना उनको नाटक सिखाना सब ये क्या करते थे उसको सुन करके उनका श्रद्धा तो मुक्त हो गए 15-20 साल लड़कियाँ हैं इनको श्रृंगार करना सिखाना और नचना और जगन्नाथ जी को सामने जा करके नृत्य करके बोले कैसे कथा सुनाने के लिए भेजा है तो लड़की के साथ में उनका व्यवहार है तो उन पर घृणित चले फिर महाप्रभु के पास में प्रभु आपने कथा सुना बोले क्यों क्या हुआ बोले नहीं आप ही बोले देखो कथा उनसे ही सुनना पड़ेगा हाँ मैं नहीं सुना सकता कथा वही सुनागा तुम वहाँ जाओ कथा सुनो फिर बाद में जब राय रामानंद के साथ में मिले कथा सुनी जब महाप्रभु के साथ में उनको जब डिस्कशन हुआ जब उन्होंने कथा सुने राय रामानंद से एकदम प्रेम में गदगद हो गई और हो गई इतने बड़े रसिक भक्त घर तो पता चला राय रामानंद इतने बड़े रसिक भक्त है अगर नहीं सुनता तो इनके चरण में बड़ी अपराध हो जाती फिर उन्होंने माफ़ी मांगी आपकी हाँ आपकी क्रिया समझ करके मैं आपको निगलेट कर रहा था लेकिन मतलब जैसे कहते हैं ये माया ऐसे है ना बोले दारू और प्रकृति है मन अभिमान दारू मतलब होता है लकड़ी का कोई स्त्री मूर्ति हो वो इतने मतलब खतरा है तो बड़े बड़े मुनियों का मन को भ्रष्ट कर देता है लेकिन राय रामानंद उनको सारे श्रृंगार सब सजा करते लेकिन हरिदेव को विकार नहीं बोले क्यों वो स्वयं There used to be a brahmachari, his name was Prasrumna, and he came to Mahaprabhu, asking Mahaprabhu that if he could hear some Krishna katha from Mahaprabhu. Mahaprabhu said, look, to hear Krishna katha, you have to go to Rayana Maharaj, because I cannot give you the katha. He knows more than me, he knows more katha than me. You go to him, because Krishna is Vishaya Tattva, he is Krishna. And to hear about katha, you have to go to a devotee. A devotee can only give you the proper katha of the Lord. And Rai Rambarai is Ashri Katha, means he is the devotee of the Lord. So he is the Anuradha, he is the Visakha, he is the... Yes. So he came here. He came here and he went to Rai Rambarai and asked that if he could... When he came here, he saw that what he was doing, he saw that there were young girls, 14-15-year-old girls, who were practicing to perform in front of Jagannath, and Rai Rambarai used to decorate them. He personally he was decorating them, dressing them up, and teaching them how to do poses in front of Lord Jagannath. So when he saw this brahmachari had this feeling that this person here is involving himself with young girls. How can he give me Krishna Katha? So he had this ill feeling towards him and he didn't ask anything and he just went away. And he went back to Mahaprabhu and he told Mahaprabhu, please give me Krishna Katha. Then Mahaprabhu asked him, did you go to Rayanamarai? He said, yes, but you give me Krishna Katha, he said. So Mahaprabhu immediately understood what has happened and he told him that now you have to go back to him because he only can give you the proper Krishna Katha. And Mahaprabhu knew that he has this ill feeling in his heart. So he came back, and when he came back and he requested for Harikatha, and when he heard Rai Rambarai giving Katha, then he realized what a high level Vaishnava he is and the Rasik Katha that he is giving. From this we can understand that though he is Vishakha herself,
Sakhi herself. And when we can understand that though he was with these young girls, and if any ordinary person was there, he would have lost his... even if a wooden lady, you know, if the kind of devotee, be high class of devotee, wooden girl, you know, this mind becomes bewildered. But Rai Ramananda, such a high class devotee, he doing decorate this own hand, you know, this 15-20-year-old girl, but this hand, nothing happening, any kind of material desire. Why? He is the not ordinary person, he is the Visakha Sakhi. So how is the Rai Ramananda high class of, you know, devotee? So Rai Ramananda, he stay here, you know, there. This is the house of Rai Ramananda, and this garden is the Jagannath garden. Mahaprabhu when going Ratha Yatra, you know, Ratha Yatra. When chariot stay stop here, that time, you know, Mahaprabhu mood of Radharani, he painted here. And Mahaprabhu told, I don't give darshan to Pratap Rudra. But here, you know, all devotees pray to Mahaprabhu. Mahaprabhu reject, well, no, I cannot take darshan of Pisai, you know, material person. But when, but he doing so much service to devotees. So when Mahaprabhu came to this garden, time of Rathyatra, and lay down, then all devotees, well, now you come here and message to Mahaprabhu lotus feet. And you are singing, Jayati Tedhikam Janmana Praja Srayata Indira Saswadatrahi Daita Driksatam Diksutabaka Toi Dhritat Sava Twang Vichin. Singing Gopi Geet. But when chanting Tabakathamritam Tapta Jeevanam Kabhi Viriditam Kalmasapaham Sravana Mangalam Srimadatatam Bhumi Grinanti Te Bhuridajana. When he rejected the slok, Mahaprabhu becomes so happy, you know, he embraced, oh, you gave me nectar, you know, you drank to me nectar. Then this all this past time happening here. So this garden, you know, Mahaprabhu and Ratsyatra here, all Mahaprabhu devotee came to this garden and they attempted to rest and offering so many preparation to Jagannath. So this place is the very, very good place for our Gaudiya Vaishnava. Bala Jagannath Vallabha Vatika ki, Sachinandana Gaur Hari ki, Vitai Gaur Premanandi. Chalo.